हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करने से मेरी जो भी न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, यानी कि बताने भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन, मतलब कौन है, कौन है इसमें। ए है रत्नागिरी खान, बी है जयपुर, सी है सुंदरगढ़ खान और सी डी है बेलाडीला खान। तो इन चार में से बताएं कौन सी है जो भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। तो बताएं ऑप्शन देखकर आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी कि बेलाडीला खान। भारत में जो सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है वो बेलाडीला खान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिजपूर्ण रोग तंत्र है। ए कुड़प्पा तंत्र, बी धारवाड़ तंत्र, सी गोंडवाना तंत्र या डी विंध्य तंत्र। तो बताना है भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिजपूर्ण रोग तंत्र कौन सा है। तो बताएं इसमें क्या आंसर आएगा इसका। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि धारवाड़ तंत्र। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज तंत्र धारवाड़ तंत्र है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। सेकंड है, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं। और थर्ड ऑप्शन है, राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। तो इन तीनों सेंटेंस को देखकर ये बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। ए है फर्स्ट और सेकेंड, बी ऑप्शन है केवल सेकेंड और सी ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड और डी ऑप्शन है केवल थर्ड। तो ऑप्शन देखकर आप आंसर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी कि केवल थर्ड, यानी कि राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। ये बताना है कि भारत में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य है। ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड या डी राजस्थान। तो बताएं कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी कि आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश में भारत के सभी राज्यों में से अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है, ठीक है। ये बताना है बेलाडीला जो है खान है बेलाडीला, उसमें किसका खनन होता है। ए है हेमेटाइट, बी है सीडेराइट और सी है लिमोनाइट और डी है मैग्नेटाइट और ई जो ऑप्शन है उसमें दिखाया है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताएं बेलाडीला खान में किस लौह अयस्क का खनन होता है। तो बताएं क्या आंसर आएगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कि हेमेटाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। इसमें फर्स्ट साइड दिया हुआ है केंद्र और सेकंड साइड है खनिज। तो केंद्र में दिया हुआ है ए मकुम, बी दल्ली राजहरा, सी है कोरापुट और डी है चित्रदुर्ग। और खनिज दिए हुए हैं सेकंड साइड, फर्स्ट है लौह अयस्क, सेकंड है कोयला, थर्ड है मैग्नीज और फोर्थ है बॉक्साइट। इसके बाद नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप बताएं अनुमान लगाएं कि इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर है। आप मिलाने की कोशिश कीजिए, बताएं क्या आंसर होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन यानी कि ए है मकुम, उसका आएगा सेकंड कोयला, और जो बी है दली राजहरा, उसका आएगा फर्स्ट ऑप्शन लौह अयस्क, सी है कोरापुट, उसका आएगा फोर्थ ऑप्शन बॉक्साइड, और जो डी है चित्रदुर्ग, उसका आएगा थर्ड ऑप्शन मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है गलत युग्म को पहचानिए, यानी कि जो गलत जोड़ा है उसको बताना है वो कौन सा जोड़ा है जो गलत है। फर्स्ट साइड दिया हुआ है खनिज और उसके सामने दिया हुआ है खान। तो ए है यूरेनियम, उसके सामने है कुराडिया, डी बी है तांबड़ा, उसके सामने दिया हुआ है राजमहल, सी है गुलाबी संगमरमर, उसके सामने है बाबरमल और डी है जिप्सम, उसके सामने दिया हुआ है पलाना। यानी कि बताना है कि इन खनिजों की खान यहाँ
है या नहीं, इसमें कौन सा गलत है ये बताना है। तो एक जोड़ा इसमें गलत है वो पहचानिए कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी कि जिप्सम, जिप्सम के जो खनिज है इसके खान पलाना में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, यानी कि मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है खनिज और सूची सेकंड में है खान। सूची फर्स्ट में जो खनिज दिया हुआ है उसमें दिया हुआ ए है जिंक यानी कि जस्ता, बी है स्वर्ण, सी है क्रोमाइट और डी है पाइराइट, ठीक है। और उसके बाद सेकंड साइड है सूची सेकंड, उसमें दिया हुआ है खान जो कि फर्स्ट है अमझोर, सेकंड है सुकिंदा, थर्ड है जावर और फोर्थ है हट्टी। तो और नीचे फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप मिलान करके करने की कोशिश करें और अनुमान लगाए, फिर बताएं कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी कि जो फर्स्ट जो ए है जिंक यानी कि जस्ता, उसकी खान है, थर्ड है जावर और जो बी है स्वर्ण, उसके उस खनिज स्वर्ण खनिज की जो खान है वो है हट्टी में, और जो सी है क्रोमाइट उसकी है सेकंड सुकिंदा, और जो डी है फर्स्ट पाइराइट उसकी है अमझोर में है उसकी खान, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइड अयस्क है, तो ए सीसा का, बी एल्युमिनियम का, सी जस्ता का या डी तांबा का। तो बताएं बॉक्साइड अयस्क किसका है, तो आंसर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी कि एल्युमिनियम का, जो बॉक्साइड अयस्क है वो एल्युमिनियम का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, यानी कि अच्छी किस्म का। ए मकराना, बी जबलपुर, सी जैसलमेर या डी है सिंहभूम। तो बताएं सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, बताएं आंसर क्या होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कि सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर जो है वो मकराना में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, सेकंड है अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, थर्ड है धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अब इन तीनों सेंटेंस में से ये बताना है कि कौन सा सही है। ए है फर्स्ट और सेकंड, बी है केवल सेकंड, सी है सेकंड और थर्ड या डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी कि केवल सेकंड सही है। तो सेकंड जो है अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन धातु खनिज नहीं है। ए हेमेटाइट, बी बॉक्साइट, सी जिप्सम या डी लिमोनाइट। तो बताएं इनमें से कौन सी धातु खनिज नहीं है, तो आंसर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी कि जिप्सम धातु खनिज नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है, सेकंड है मझगवा मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है। अब इसमें बताना है कौन सा सही है। जो ए है केवल फर्स्ट, बी है केवल सेकंड, सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों और डी है न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी कि न तो फर्स्ट ही सही है और न ही सेकंड। तो डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। फर्स्ट है बॉक्साइट, सेकंड है डोलोमाइट, थर्ड है लो अयस्क या फोर्थ है टिन। तो इनमें बताना है कौन सा सही है। ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी है फर्स्ट और थर्ड, सी है केवल फर्स्ट और फोर्थ या डी आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। छत्तीसगढ़ राज्य में सभी मतलब ये चारों ऑप्शन खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, बॉक्साइट डोलोमाइट लो अयस्क टिन, ये चारों छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। इसमें सूची फर्स्ट है खनन क्षेत्र और सूची सेकंड में है खनिज। तो सूची फर्स्ट में खनन क्षेत्र में है, ए है गुरु महिसानी, बी है तलचर, सी है जादूगोड़ा और डी है जावर। सूची सेकंड में खनिज दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट है सीसा, सेकंड है यूरेनियम, थर्ड है लोहाशक और फोर्थ है कोयला। नीचे फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप अनुमान लगाकर मिलान कीजिए और बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कि जो ए है गुरु महिसानी उसका आएगा थर्ड लोहाशक, जो बी है तलचर उसका आएगा फोर्थ कोयला, जो सी है जादूगोड़ा उसका आएगा सेकंड यूरेनियम और जो डी है जावर उसका आएगा फर्स्ट सीसा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है। तो सोनभद्र जनपद में बताना है कौन सी धातु इनमें से पाई जाती है। फर्स्ट है यूरेनियम, सेकंड है एंडलुसाइट, थर्ड है पायराइट और फोर्थ है डोलोमाइट। इसमें फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी है सेकंड थर्ड फोर्थ, सी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी कि सोनभद्र जनपद में जो धातु पाई जाती है वो है एंडलुसाइट, सेकंड ऑप्शन एंडलुसाइट, थर्ड है पायराइट और फोर्थ है डोलोमाइट। ये तीनों ही सोनभद्र जनपद में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है खनिज पदार्थ और सूची सेकंड में दिया हुआ है खनन क्षेत्र। जो सूची फर्स्ट में खनिज पदार्थ है उसमें ए है ग्रेफाइट, बी है सीसा, सी है लवण और डी है चांदी। सूची सेकंड में खनन क्षेत्र दिया हुआ है उसमें फर्स्ट है बेल्लारी, सेकंड है डिडवाणा और थर्ड है रामपा, फोर्थ है जावर। तो आप उसके बाद नीचे दिए हुए ऑप्शन आप देखकर बताएं इसका अनुमान लगाएं कि इसमें जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर वो ए ऑप्शन है, यानी कि जो ए है ग्रेफाइट उसका आएगा थर्ड रामपा, जो बी है सीसा उसका आएगा फोर्थ ऑप्शन जावर और जो सी है लवण उसका आएगा सेकंड ऑप्शन डिडवाणा और जो डी है चांदी उसका आएगा बेल्लारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो बताएं इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ए है अमगुरी, उसके सामने है पेट्रोलियम, बी है लांचगढ़, उसके सामने बॉक्साइट, सी है कॉम्पटी, उसके सामने दिया हुआ है तांबा और डी है बेल्लारी, उसके सामने दिया हुआ है लोहाशक। तो इसमें बताए कौन सा है जोड़ा जो सही नहीं है, यानी कि जो गलत है बताए इसका राइट आंसर बताइए इसमें क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी कि कांपटी, उसके सामने जो दिया हुआ है तांबा, ये सी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। टाटा बाय बाय।